और अब आप छत्तीसगढ़ की जहाँ पर अब उनकी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी और स्कूल संचालक पालकों से मनमानी तरीके से वसूली नहीं कर पाएंगे। सरकार ने स्कूल शुरू को लेकर नियम बना दिए हैं। फीस नियामक आयोग के सदस्य और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से खास बातचीत की है संवाददाता सत्या ने। प्रदेश में निजी स्कूलों का मनमानी जारी है, इसमें लगाम लगाने के लिए सरकार ने फीस नियामक आयोग के गठन किया जिसमें तीन मंत्री शामिल है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह सिंह का काम है, कृषि मंत्री चौबे जी और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी इस कमेटी में है और इस वक्त हमारे साथ गृह मंत्री जी मौजूद है, उनसे जानते हैं इस कमेटी काम कहाँ तक है। मंत्री जी अभी दो तीन की हो गई है, कहाँ तक काम आ गया? पहली बार जब गठन होने के बाद इसका तैयारी किया गया और उसमें प्रारंभिक चर्चाएं हुई थी। ये तय किया गया था कि इसको सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर दिया जाए और सुझाव आमंत्रित कर लिया जाए तो उसमें थोड़ी व्यापकता आ जाएगी और सब तरफ से जानकारियां आ जाएंगी कि लोग खाते क्या है। वो सारी जानकारियां कलेक्ट की गई और जो धाराएं हैं अधिनियम के उसके अनुसार सुझाव जो है उसको कंपाइल करके आज अधिकारी ने प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने जानकारी दी कि इसमें क्या सुझाव आया है, जैसे फीस की 9% बढ़ोतरी हो, लोगों के क्या क्या सुझाव हैं और कमेटियां ऐसी कितने, असाध की सदस्य कितने हों, पालकों में से कितने, ऐसा सारा सुझाव जो आया था उसके अनुसार कंपाइल करके उसमें कितना होना चाहिए प्रारंभिक तौर पर आज चर्चा हुआ और उसके बाद अभी वो फाइनल चर्चा के लिए जाना है। एक दिन चार दिन में जैसे ही ज्यादा दिन ही लगेगा तब उसको कितना क्या हुआ निश्चित तौर पर फिर बताया जा सकेगा। ये लगातार शिकायतें आ रही हैं अभी और उस पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रही कि हमारे पास नियम कानून नहीं है फीस बढ़ोतरी को लेकर पालकों फीस वसूली के लिए। हाँ, तो इसीलिए अधिनियम इसीलिए बनाया जा रहा है कि इसमें सारी चीज बंदिश लग जाएगा कि कितना बढ़ा सकते हैं, कितना ले सकते हैं, अपील करने का अधिकार कहाँ कहाँ होगा, तो सारी चीज इसमें आ जाएगी। ये 2021 का सत्र कुछ दिन में चालू होने वाला है तो क्या इस नियम अधिनियम का फायदा मिलने वाला है? क्योंकि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं अपने फीस निर्धारित कर दिए हैं और पालकों को फीस भरने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। जुलाई से भर्ती तो शुरू कर देंगे, मतलब फीस लेना शुरू हो जाएगा, पर उसके पहले जून में ही ये समिति अपना निर्णय प्रस्तुत कर देगी। तो अभी आपने गृह मंत्री को सुना जिसका साफ कहना है कि जो राय शुमारी की गई थी, जो मंगाया गया था पालकों से शिक्षकों से राय, जो उसका आज राय शुमारी हुआ और उस पर एक विचार विमर्श कर रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब देखना ये होगा कि जो नया नीति नियम कानून बनने वाले हैं उसको प्रदेश को कितना लाभ मिलता है। कैमरामैन चोला राम के साथ सत्यराजपुर स्वराज एक्सप्रेस रायपुर।